सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग अच्छे हो रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कैसे आप लोग अपना फ्री फायर का गेस्ट अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो फिर मैं आपको दो सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग फ्री फायर का गेस्ट अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। और दो ट्रिक में से एक ट्रिक के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जो दूसरा ट्रिक है उसके बारे में फ्री फायर का 99% प्लेयर को नहीं पता है। उसमें जस्ट आपको दो एक फाइल डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका गेस्ट अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ और इसमें मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम 100% रियल होने वाला है, मतलब कि आप लोग अपना गेस्ट अकाउंट को डिलीट कर पाओगे। तो कैसे करना है, कैसे क्या करना है, सबको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करो, लाइक कर दो। चैनल पर पहले बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन आएगा उसको भी दबा के और पे सेट करो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास गेस्ट अकाउंट पहले से ही यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो। मैंने अभी गेस्ट अकाउंट पर क्लिक किया और उसके बाद अभी देख सकते हो गेस्ट अकाउंट लॉगिन हो चुका है। उसके बाद मैं टैग टू बिगिन पे क्लिक कर दूँ, उसके बाद अभी देखना गेस्ट अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गेस्ट अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है। तो गेस्ट अकाउंट मेरा पहले से ही है और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग गेस्ट अकाउंट को डिलीट कर पाओगे। तो गेस्ट अकाउंट डिलीट करने का दो मेथड है और दो ही मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना। सबसे पहला मेथड आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, सेटिंग में आना है। और जो दूसरा मेथड है वो भी बताऊंगा, दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है, उससे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ डिलीट कर पाओगे। तो पहले पहला मेथड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पहला मेथड पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो गेस्ट अकाउंट है इसको आपको दूसरा कोई अकाउंट के साथ मर्ज करना है, मतलब फेसबुक के साथ या फिर तो गूगल के साथ, ट्विटर के साथ आप लोग अपना गेस्ट अकाउंट को मर्ज कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे सेटिंग में आना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मर्ज करने का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे आपका कोई भी अकाउंट के साथ आप लोग इस अकाउंट को मर्ज कर सकते हो फेसबुक के साथ। आपको ऐसा एक अकाउंट ढूंढना है जिसके साथ आपने फ्री फायर कभी भी लॉग इन नहीं करे हो। तो आपको यहाँ पे फेसबुक, गूगल, ट्विटर वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, आपके पास जो भी अकाउंट है उस अकाउंट से आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। और ऐसा भी कर सकते हो, आप लोग एक फेक फेसबुक अकाउंट या फिर फेक गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आपका जो गेस्ट अकाउंट है उसको इसके साथ लॉगिन कर सकते हो, मतलब कि आपका जो फेक अकाउंट है उसके साथ लॉगिन कर सकते हो। तो आप लोग अगर इस तरह से करते हो, मतलब कि आपका जो गेस्ट अकाउंट है उसको दूसरा कोई अकाउंट के साथ मर्ज करते हो, फेसबुक या फिर गूगल के साथ मर्ज करते हो, तो आपका जो गेस्ट अकाउंट है वो नहीं रहेगा, आपका वो फेसबुक अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट बन जाएगा। मतलब आप लोग जिसके साथ भी मर्ज करोगे वही अकाउंट आपका बन जाएगा, आपका गेस्ट अकाउंट नहीं रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट कोई एक अकाउंट के साथ मर्ज कर देना है, आपका जो गेस्ट अकाउंट है उसको दूसरा एक अकाउंट के साथ मर्ज कर देना है और उसके बाद आपका गेस्ट अकाउंट चला जाएगा, आप लोग फिर से एक न्यू गेस्ट अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। तो ये वाला ट्रिक बहुत ही इजी है, आप लोग इसको कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो ट्रिक बताने वाले हो वो वाला ट्रिक इससे भी बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप लोग उसको भी कर सकते हो और इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो इस तरह से करके आप लोग अगर आपका गेस्ट अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो या फिर तो दूसरा कोई अकाउंट के साथ मर्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और मर्ज वगैरह करने के बाद आप लोग अगर यहाँ पे गेस्ट पे आते हो तो आपका गेस्ट अकाउंट ओपन नहीं होगा, आपका न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा, न्यू गेस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप लोग अगर इस तरह से करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं हमारा सेकंड मेथड के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है लेकिन इसके बारे में फ्री फायर का 99% प्लेयर को नहीं पता है। तो इस मेथड को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे फाइल ओपन करना है। तो अभी मैं फाइल ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है। तो आपका मोबाइल में जो फाइल मैनेजर का एक ऐप रहता है ना, आपको जस्ट उसको ओपन करना है। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, देख सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इंटरनल स्टोरेज पे जाना है, मतलब जो फोन मेमोरी होता है उस पर आपको जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह का एक ऐप पे फाइल मिलेगा, आप देख सकते हो com.gana.msdk आपको ये वाला फाइल मिलेगा, यहाँ पे नीचे भी मिल सकता है। तो इधर आपको यहाँ पे फाइल मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इस वाली फाइल को डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको बिना सोचे समझे आपको इसको डिलीट कर देना है। मैंने अभी डिलीट कर दिया, आप डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको एंड्रॉइड फाइल पे जाना है। यहाँ पे जो एंड्रॉइड फाइल है आपको एंड्रॉइड फाइल पे जाना है। एंड्रॉइड फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ओबीबी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा com.details.fifa का ऑप्शन मिलेगा, आपको ये वाला फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे आपको प्रेस करके क्या करना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, आप नीचे देख सकते हो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आपके यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाली फाइल को दूसरा एक फाइल में आपको कॉपी करके रखना है। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कॉपी करके रखता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो रहा है। तो कॉपी होने देते पहले, तो सक्सेसफुली आप देख सकते हो कॉपी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है। तो कॉपी होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे देखना है पहले यहाँ पे फाइल आपका है क्या नहीं है, तो फाइल यहाँ पे है देख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या कहना है, फिर से एंड्रॉइड फाइल पे जाना है, उसके बाद फिर से ओबीबी पे जाना है, उसके बाद आपको क्या कहना है, जो फाइल है इसको आपको डिलीट कर देना है। और अभी डिलीट करने के बाद शायद आपका डिलीट नहीं होगा, देख सकते हो डिलीट नहीं हो रहा है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, पहले आपको जाके इसको डिलीट करना है, जो यहाँ पे मेन फाइल देख रहे हो ना इसको आपको डिलीट करना है, यहाँ पे जो मतलब जो भी चीज़ देख रहे हो इसको आपको डिलीट करना है, और उसके बाद फाइल को डिलीट करने तो डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सो डिलीट हो रहा है, पे देख सो डिलीट हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद जो यहाँ पे com.details जो फ्री फायर है इसको भी आपको डिलीट कर देना, मतलब फाइल को आपको डिलीट कर देना। तो आप देख सो यहाँ पे डिलीट हो चुका है।
तो डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बैक करना है, यहाँ पे सबसे पहले एकदम मतलब पूरा का पूरा बैक कर देना है। तो बैक करने के बाद क्या करना है, जो फ्री फायर है ना इसको आपको प्रेस करके रखना है और उसके बाद फ्री फायर का अबाउट पे चले जाने, मतलब जो फ्री फायर का ऐप इन्फो होता है वहाँ पे आपको चले जाना है। किसी भी तरीके से आपका मोबाइल में दूसरा कोई यहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं तो आप लोग सेटिंग में जाके भी कर सकते हो। तो फ्री फायर का अबाउट में आना है आपको, कुछ इस तरह का आना है और उसके बाद आपको क्या करना है, फ्री फायर का जो स्टोरेज वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको चले जाना है और उसके बाद फ्री फायर का जो डेटा है इसको आपको क्लियर कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियर डेटा का ऑप्शन दिखा रहा है नीचे, तो आपको क्लियर डेटा कर देना है। यहाँ पे मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अभी फ्री फायर का जो डेटा है वो क्लियर हो चुका है। तो डेटा क्लियर करने के बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको फिर से फाइल को ओपन करना है। तो फिर से फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज पे फिर से जाना है और उसके बाद आपका जो फाइल है, जो मतलब फ्री फायर का जो फाइल आप लोग कॉपी करके रखे हो, उस वाली फाइल को आपको अभी फिर से वापस जाके पेस्ट करना है। तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ फिर से, अभी मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड पे जाना है, एंड्रॉइड पे जाने के बाद आपको ओबीबी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो कॉपी करके रखे हो उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, मतलब कि जो फाइल जहाँ पे था आपको ला देना है, मतलब यहाँ पे ही था ये जो फाइल है ना यहाँ पे ही था, तो आपको इधर फिर से ला देना है। तो यहाँ पे अभी कॉपी हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है फाइल, तो यहाँ पे देख सो फाइल आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी फाइल वगैरह आ चुका है, सब कुछ काम आपका हो चुका है, यहाँ पे कॉम डीटीएस फाइल डिलीट भी हो चुका है, तो सब कुछ हो चुका है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका जो गेस्ट अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से गेम ओपन करके आपको दिखाता हूँ गेस्ट अकाउंट डिलीट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सो मैंने यहाँ पे गेम ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे परमिशन वगैरह मांगता है, फर्स्ट टाइम आप लोग अगर फ्री फायर ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, सब कुछ अलाउ कर देना है और उसके बाद यहाँ पे देख सो लोडिंग वगैरह हो रहा है। तो लोडिंग पहले होने देते, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गेस्ट अकाउंट डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वैसे यहाँ पे लोडिंग वगैरह हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे गेस्ट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ गेस्ट अकाउंट डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी मैं गेस्ट पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देख सो गेस्ट अकाउंट ओपन हुआ और उसके बाद टैप टू बिगिन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नया अकाउंट आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो फाइनली नया अकाउंट आ चुका है, मतलब कि जो हमारा पहले का गेस्ट अकाउंट था वो डिलीट हो चुका है। फिर से यहाँ पे न्यू गेस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो अभी मैं फिर से यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। तो अभी मैंने कॉन्फर्म पे क्लिक किया, उसके बाद देखो फिर से नाम डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो इधर आप लोग कुछ भी नाम वगैरह डाल के लेट्स गो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका जो गेस्ट अकाउंट है वो फिर से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे हो रहा है, तो अभी मैं इसको अलग नाम रखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ। उसके बाद ओपन करता हूँ, यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा गेस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है, नया गेस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो इस तरह से करके आप लोग अपना गेस्ट अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो टैप टू बिगिन पे क्लिक किया, उसके बाद मैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो मैच स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, फिर देख सकते हो मैच स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से करके आप लोग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो मेथड, दो नंबर का जो मेथड है, इससे आप लोग बहुत ही आसानी से आपका जो गेस्ट अकाउंट है उसको डिलीट कर पाओगे। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ। तो गाइस को सही तरह से आपको आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ चुका है कैसे आप लोग अपना फ्री फायर का गेस्ट अकाउंट को डिलीट कर पाओगे। बहुत ही सिंपल ईजी मैथड मैंने आपको दिखाया है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना और इस वीडियो को कुछ फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देना। आपका जितने भी सारे फ्री फायर खेलने वाले फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड गेस्ट अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, सारे फ्रेंडों के साथ शेयर कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उधर मैं गिव वगैरह करता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार वीडियो को लेते हैं, था बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।